हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो फाइनली बिहार में लॉकडाउन फिर से लग गया है, तो ऐसे में यहाँ पे जो काउंसलिंग डेट यहाँ पे निकाला गया है ट्यूटर के लिए, उसका क्या अपडेट होगा, क्या काउंसलिंग होगा या नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ट्यूटर के कल के डेट में, यानी कि सभी का, जितने भी कैंडिडेट 240 को यहाँ पे बुलाया गया था फिर से काउंसलिंग के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने नर्सिंग कॉलेज के ट्यूटर की काउंसलिंग 240 अभ्यर्थियों को और बुलाया, मतलब कि पहले से जो कैंडिडेट जो सेलेक्ट थे और कई सारे जितने सेलेक्ट थे उसमें से फिर से कुछ और को बुलाया गया है। काफ़ी कैंडिडेट इसमें से छटे गए हैं, तो ऐसे में जो है कि फिर से कैंडिडेट को बुलाने का यहाँ पे देख सकते हैं कटअप भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। जो कटअप मार्क्स से फाइनल मेघा सूची कटअप मार्क्स से कम हो जाने के कारण किया गया, तो काउंसलिंग 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक आयोग, चूँकि ऐसे थे कि जो कैंडिडेट मान लो जो एक्सपीरियंस लगा दिए और किसी कारणवश एक्सपीरियंस को हटा दिया गया, तो इस कारण से जो है कि उनका मार्क्स कम जाता था, तो कटअप से कम जाने के कारण जो है कि फिर से दूसरे कैंडिडेट को बुलाया गया। तो ये यहाँ मेन रीज़न है सेकेंड काउंसलिंग कराने का। अब जो हम लोग इसका जो डिस्कस कर रहे हैं, तो जितने भी कैंडिडेट का देख सकते हैं काउंसलिंग 6 अप्रैल से 8 अप्रैल तक, यानी कि 6 से 8, जो बिहार में लॉकडाउन फिर से लगा है 11 अप्रैल तक, तो ऐसे में क्या इसका काउंसलिंग होगा? तो इनका काउंसलिंग होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि काफ़ी कम स्टूडेंट है और जो जितने भी पहले से जो कार्य तय किए गए हैं, जैसे एग्ज़ाम का किसी कॉलेज का या किसी यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम है, तो वो भी कंडक्ट होंगे। ऐसे में जो भी निर्धारित है पहले से होंगे, केवल गाइडलाइंस के अनुसार होंगे। तो यहाँ पे यदि कोई दिक्कत होती है इसका, यदि स्थगित होता है तो नोटिस आएगा। जब तक नोटिस नहीं आता है तो आप लोग ये तय माने कि आपका काउंसलिंग निश्चित है कि होगा ही होगा। आइए हम लोग उस डिस्कस करते हैं उस नोटिस को जो कल के डेट में जारी किया गया था। यह वही है नोटिस है, देख सकते हैं 2/2020 का, सॉरी 2019 का, जो कि इसमें ग्रेड ए नर्स का भी था और उसी के साथ ट्विटर का भी था। तो ट्विटर के अंतर्गत जो ये की वैकेंसी है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है, जो पहले क्या कुछ हुआ था यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। काउंसलिंग अनारक्षित श्रेणी के चयनित कटअप मार्क से फाइनल मेधा सूची के मार्क्स कम हो जाने के कारण, देख सकते हैं वही बात है, जो पहले मार्क्स था कट ऑफ और जो काउंसलिंग हुआ उसके बाद कम जाने के कारण जो कि दूसरे कैंडिडेट को फिर से यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अनारक्षित का 58 तक के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में चयन किया गया, यहाँ पे कट ऑफ दिया गया है, और ये सारे जो है कि काउंसलिंग कंडक्ट होंगे 6 से 8 अप्रैल तक। सभी का रजिस्ट्रेशन बार यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कौन कौन से। प्रथम पाली जो है कि 10:30 से 1:30 बजे तक और 2:30 से 5:30 तक। सेकेंड द्वितीय पाली होगा, टेबल 1, टेबल 2, टेबल के अनुसार होगा। देख सकते हैं 6 को कितना टेबल है, 3 टेबल है, यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3, 3 टेबल है, इसी के डेट में सारे मेंशन है। तो 6 को 3 टेबल बनाए गए हैं और प्रथम पाली यहाँ से यहाँ तक है टेबल 1 का, फिर टेबल 2 का प्रथम पाली यहाँ से यहाँ है, ये सेकेंड है पाली यहाँ से यहाँ तक, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टेबल 2 का है, टेबल 2, टेबल 1, इसी तरह नीचे टेबल 3 है, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहाँ से सेकेंड हो गया इधर और फर्स्ट पाली इधर, तो जो भी कैंडिडेट का जिस पाली में है आप लोग और जिस डेट को है, अच्छे से आप लोग देख कर जाए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जो भी अपडेट होगा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। यदि काउंसलिंग स्थगित होती है उसका भी नोटिस आएगा, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। कोई भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे आगे की अपडेट के लिए। थैंक यू।